आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग हमारे आज के इस इम्पॉर्टेंट से सेशन की कर देते हैं शुरुआत, और जिसके अंदर हम लोग जो है ना बीते हुए सेशन के अंदर आपको पढ़ा रहे थे। क्या आपको बीते हुए सेशन में मैंने आपको पढ़ाया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बारे में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पार्ट वन लिया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पार्ट टू पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। अगर आपको जहां तक याद है चीजें, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यही चीजें सब शेयर की थी। तो आज के इस इंपॉर्टेंट से पार्ट के अंदर मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं नेशनल पार्क्स के बारे में, हरियाणा के जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, के अलावा वन्य जीव अभयारण्य हैं, उन सभी के बारे में आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो है ना आप लोग मुझसे सीखने वाले हो। तो जल्दी से कॉपी निकाल लीजिएगा, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा, बहुत कुछ सीखोगे आप लोग आज की क्लास के अंदर, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी क्लास है हमारी ये, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट और मुद्दई बात तो हमारे पास में ये आती है कि जब हम लोग ये पढ़ रहे थे क्या हरियाणा का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पढ़ रहे थे, तो उस टाइम पे एक बात और इंपॉर्टेंट है जो थोड़ा सा करंट अफेयर टाइप से इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी बात। और वो क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है कि देखो साल 2021 जो था ना हमारा, उसको हरियाणा सरकार ने किस रूप में मनाया था। अगर आपको याद हो तो साल 2021 को हरियाणा सरकार ने ना, याद रखिएगा, ऑक्सी वन वर्ष के रूप में मनाया था, ठीक है ना। ऑक्सी वन वर्ष, ठीक है ना, ऑक्सी वन वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया था साल 2021 को। अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट सा आपका टॉपिक बनता है कि कौन से साल को हरियाणा सरकार ने ऑक्सी वन वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया। तो साल 2021 को हरियाणा सरकार ने ऑक्सी वन वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया था। नाउ सर, व्हाट इज ऑक्सी वन वर्ष, क्या है इसका मतलब? तो देखो सुनो, बड़े ढंग से सुनो बात मेरी बात आप, क्या कि 2021 जो है ना, इसमें आप लोगों ने कोविड का बहुत एक गजब का फेस देखा था। कोविड इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूं कहिएगा चरम सीमा पे था। तो इसी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने लोगों से ये आग्रह किया कि महाराज तुम 3 करोड़ पौधे लगाओ। तो पूरे राज्य भर के अंदर इस वन वर्ष या इस योजना के तहत हम लोगों ने 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट रखा था, ठीक है ना। कितने पौधे? 3 करोड़ पौधे। 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट दिया हम लोगों ने एक साल के अंदर, ये याद रखिएगा, ऑक्सी वन वर्ष योजना के तहत। और हर एक गांव में, हर एक जगह पे जहां जहां पे ये पौधे लग रहे थे, कहा गया कि इन पौधों को पंचवटी के नाम से लगाया जाएगा, ठीक है ना। किस नाम से लगाया जाएगा ये याद रखिएगा, तो इनको लगाया जाएगा पंचवटी के नाम से, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। पंचवटी के नाम से, पंचवटी के नाम से जो है ना ये पौधे लगाए जाएंगे, 3 करोड़ पौधे, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा आप लोग, 3 करोड़ पौधे जो है ना वो पंचवटी के नाम से लगाए जाने की बात की गई पूरे हरियाणा के अंदर। अब ऑक्सी वन वर्ष है, 3 करोड़ पौधे पंचवटी के नाम से लगाने की बात हुई, ये बात तो चलो ठीक है, समझ में आ गई हमें। अब अगली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास में ये आती है कि इससे फायदा हरियाणा के अंदर, ऑक्सी वन सीधा का सीधा ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। इनमें जर्नली जो है ना आपके पौधे कौन से थे, जर्नली इसके अंदर पौधे हैं बड़ है, इसके अंदर जो है ना एक पौधा है आपका पीपल है, इसके अंदर एक पौधा है नीम है। तो बड़, पीपल, नीम जो है ना, ये पौधे ज्यादा से ज्यादा हरियाणा के अंदर जो है ना वो लगाने की बात की गई थी, ये भी बात आप लोगों को याद रख लेना है डियर, ठीक है ना, समझ गए इस चीज को आप लोग। अगली बात पे हम लोग बात करते हैं, वो क्या है कि हरियाणा के अंदर ना एक लाड्डो की बगिया और स्टार्ट की गई है। करंट अफेयर वाइज ही बात कर रहा हूं मैं, लाड्डो की बगिया। अब ये लाड्डो, अच्छा एक बात और सुनना कि कहोगे सर 3 करोड़ पौधे आएंगे कहां से, लाके कौन देगा ये? बात तो तुम्हारी ठीक है, 3 करोड़ पौधे जो है ना ये लाके देने की बात की गई कि आप एक काम करो, पौधशाला मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, पौधशाला। अच्छा, ये पौधशाला मोबाइल एप्लीकेशन है ना, इसके तहत क्या है आपका, इसके तहत सरकारी नर्सरी से फ्री में पौधे लिए जा सकेंगे, ठीक है ना। क्या है आपका? सरकारी नर्सरी से, ठीक है ना। हरियाणा के अंदर जो सरकारी नर्सरी है ना, वो आप लोगों को जो है ना सरकारी नर्सरी से पौधे लिए जा सकेंगे, इससे ये याद रखिएगा आप लोग, सरकारी नर्सरी से फ्री में पौधे लिए जा सकेंगे, इसका सीधा सा मतलब है, यही बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। सरकारी नर्सरी से फ्री में पौधे ले सकने वाली ये आपकी जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सरकारी नर्सरी से फ्री में पौधे ले सकने वाली मोबाइल एप्लीकेशन का नाम बताइए क्या है, तो आपका जवाब क्या रहेगा? तो आपका जवाब रहेगा डियर क्या कि ये पौधशाला मोबाइल एप्लीकेशन है। तो पूरे हरियाणा राज्य में 3 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट ऑक्सी वन वर्ष के तहत हो ही गया आपका। और सुनो आप लोग अगली बात ये कि एक आपके लाड्डो की बगिया के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अगली बात हम लोग करेंगे क्या, लाड्डो की बगिया, ठीक है ना, लाड्डो की बगिया। इस लाड्डो की बगिया को हरियाणा के अंदर कहां से स्टार्ट किया गया? झज्जर के खानपुर गांव से, ठीक है ना, झज्जर के खानपुर
कला गांव से जो है ना इसको स्टार्ट किया गया। इसमें बेसिकली क्या है, हरियाणा के अंदर 500 बेटियों से 500 पौधे लगाने की बात की गई, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया कि 500 बेटियों से, ठीक है ना, 500 बेटियों से 500 पौधे, ठीक है ना, 500 बेटियों से 500 पौधे लगाने का जो है ना वो टारगेट रखा गया या लगवाए गए, ऐसा समझ लीजिएगा। लाडो की बगिया हरियाणा के झज्जर जिले के खानपुर कला गांव से स्टार्ट की गई। कब स्टार्ट की गई, इसे स्टार्ट किया गया 2021 की हरियाली तीज को, 2021 की हरियाली तीज, ठीक है ना, 2021 की हरियाली तीज को जो है ना ये स्टार्ट किया गया। इसको भी बात आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जरूर याद करना है डियर, ठीक है ना। 2021 की हरियाली तीज को जो है ना वो आपका लिया, ठीक है ना। चलो सर, लाडो की बगिया होगी है, ये पॉइंट भी आप लोगों को याद रख लेना है डियर, ठीक है ना। चलिए सर, अब आगे जाते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है डियर आप लोगों का, ठीक है ना, ये खानपुर गांव जो ना झज्जर का है, याद रखिएगा, सोनीपत में भी आएगा और ये झज्जर के अंदर भी है, दोनों ही जगह पे है, ये याद कर लेना है डियर आप लोगों का, ठीक है ना। चलो अब आगे आप हेडिंग बनाइएगा नेशनल पार्क इन हरियाणा, ठीक है। एक बात ऐसी और याद आ रही है मुझे, 75 साल से पुराने पेड़ों को पेंशन देने की योजना का नाम भी बताता हूं मैं, ठीक है ना। 75 साल से हरियाणा के अंदर जो 75 साल से पुराना पेड़ अगर कोई होगा आपका, उसके लिए अगर आप लोगों को पेंशन देनी है तो उसके लिए क्या योजना है। जो 75 साल से पुराना वृक्ष, ठीक है ना, 75 साल से पुराना जो वृक्ष है उसको पेंशन देने वाली स्कीम जो है ना उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हरियाणा के अंदर है प्राणवायु, प्राणवायु वन देवता, प्राणवायु वन देवता पेंशन स्कीम, ठीक है ना, प्राणवायु वन देवता पेंशन स्कीम के नाम से जो है ना इसको जानेंगे आप लोग, याद रखिएगा। 75 साल से पुराने पेड़ को पेंशन देने की, कितनी पेंशन दी जाएगी सर इसको, इसको पेंशन दी जाएगी आपकी, याद रखिएगा आप लोग, 2500 रुपए सालाना पेंशन दी जाएगी प्रति वर्ष, ठीक है ना, प्रति वर्ष, ठीक है ना, सालाना 2500 रुपए जो है ना इसको दी जाएगी, ये याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। सालाना 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी उसको, 75 साल से पुराना पेड़ है, तो प्राणवायु वन देवता पेंशन योजना के तहत, ये बात आप याद रखिएगा। तो सालाना 2500 रुपए पेंशन दी जाएगी प्राणवायु वन देवता पेंशन स्कीम के तहत, ये बात तो आपको पहले रूप में याद रखनी है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि हरियाणा के अंदर जो है ना एक हर साल 15 जुलाई को तरु दिवस मनाते हैं, ये बात तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा के अंदर ना तरु दिवस कब मनाते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या कि हरियाणा में तरु दिवस, ठीक है ना, हरियाणा में तरु दिवस, ये मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया होगा याद हो तो, हरियाणा में तरु दिवस जो ना कब मनाते हैं, 15 जुलाई को मनाते हैं। अच्छा, इसी टाइम के साथ साथ जो है ना हम लोग एक काम और करते हैं क्या कि हम लोग ना वन महोत्सव भी हरियाणा में सेलिब्रेट करते हैं, मतलब साथ के साथ इसी टाइम पे हम लोग जो है ना एक वन महोत्सव भी सेलिब्रेट करते हैं। वन महोत्सव क्या होता है, वन महोत्सव का मतलब है कि हम पेड़ पौधे लगाने के लिए ऐसे लोगों को जागरूक किया करते हैं कि हाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, ठीक है ना, ऐसे समथिंग कुछ बात करेंगे, उसी को ही याद रखना। तो पिछली बार हरियाणा में 72वां वन महोत्सव था, इस बार वाला जो है ना वो याद रखिएगा 73वां वन महोत्सव सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है डियर, ठीक है ना। तो 73वां वन महोत्सव जो है ना वो सेलिब्रेट किया गया था, इसके अंदर ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो ये बात भी लिख लेना कि हरियाणा में, हरियाणा में 2022 में, क्योंकि 23 वाला तो आया नहीं, 23 वाला तो आया, 74वां हो जाएगा, हरियाणा में 2022 में 73वां वन महोत्सव मनाया गया, ठीक है ना, हरियाणा में 73वां वन महोत्सव जो है ना उस आपका सेलिब्रेट किया गया है डियर, ठीक है ना। और ये 73वां वन महोत्सव मनाया गया है तो ठीक है, पर कहां मनाया गया, ये इस बार मनाया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर, ठीक है ना, कुरुक्षेत्र में। वैसे मुझे तारीख याद है पर जरूरी नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूं, 19 जुलाई 2022 को मनाया गया था ये, ठीक है ना। और इस बार 2 करोड़ पौधे लगाने का टारगेट बनाया गया था, ठीक है ना, 2 करोड़ पौधे। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक है, क्वेश्चन तो तुम्हें ये सारे एग्जाम में मिलेंगे, टेंशन ना लो तुम लोग, ठीक है।
चलो, तो हरियाणा में 2022 में 73वां वन महोत्सव मनाया गया था, इससे पहले वाला 72वां था, तो ये भी पॉइंट आप लोगों को यहां से याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, इस चीज को आप लोगों को याद रखना है डियर, ठीक है। तो ये चीजें होगी, आपको समझ में आएगी, ये कुछ चीजें थी जो आपकी वन महोत्सव से रिलेटेड आप लोग रोक चुके थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगली बात पे जाते हैं हम लोग, ठीक है ना। अगली बात हमारी क्या इंपॉर्टेंट है, अगली हमारे हरियाणा के नेशनल पार्क के लिए बात करते हैं डियर, ठीक है ना। तो नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर, तो वैसे छोटा सा ही टॉपिक बनता है आपका, कितने नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर, 2 नेशनल पार्क है, ये बात आप लोगों को पता होगी। कितने नेशनल पार्क है हरियाणा में, हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क है, एक तो है आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क और एक आप लोगों का जो है ना वो है कलेसर नेशनल पार्क है, ठीक है ना। ठीक है, कहां लिखे, हरियाणा के नेशनल पार्क, ठीक है ना, हरियाणा के नेशनल पार्क, हरियाणा के नेशनल पार्क है 2, ठीक है ना। एक नेशनल पार्क जो है ना वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ठीक है ना, और दूसरा नेशनल पार्क कौन सा है, कालेसर नेशनल पार्क, ठीक है ना। 2 नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर, एकदम सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट सी बात है, एग्जाम में एकदम पूछे जाने वाली बात है डियर, ठीक है ना, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। 2 नेशनल पार्क है, इसको याद रखना है। अब दोनों के बारे में ही बात करते हैं हम लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं दोनों के दोनों। सुल्तानपुर नेशनल पार्क सुपर इंपॉर्टेंट है, पहली तो बात ये हरियाणा के अंदर है कहाँ पे या इसका क्या लोकेशन है, इसके सब के बारे में बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जगह पे है आपका, ठीक है, ठीक है ना। सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना आपका ये गुरुग्राम के अंदर है, गुरुग्राम में भी पर्टिकुलर फरुख नगर के अंदर है, ये बात भी आप लोगों को याद रख लेना डियर, ठीक है ना। गुरुग्राम के अंदर है आपका और गुरुग्राम के अंदर जो है ना वो फरुख नगर के अंदर है, ठीक है, फरुख नगर, ठीक है ना। फरुख नगर कहां पे है, गुरुग्राम में है, ठीक है ना, गुरुग्राम के अंदर है, फरुख नगर पे है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। गुरुग्राम के अंदर जो है ना वो फरुख नगर। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये याद रखिएगा, इस पार्क की जो है ना वो स्थापना हुई थी आपकी 1971 के अंदर, ठीक है ना। स्थापना हुई थी 1971 में, 1971 में। अच्छा, ये स्थापना 1971 में हुई थी एज अ पक्षी विहार, ठीक है ना। उस टाइम पे ये नेशनल पार्क नहीं होता था, ध्यान रखिएगा, ये उस टाइम पे जो है ना एक टाइप का पक्षी विहार होता था, इसके टाइप में जो है ना स्थापना हुई थी, और स्थापना उसकी हुई थी आसपास के उधर के गांवों को इकट्ठा करके, जैसे चंदू है, साढ़ाणा है, इन गांवों को इकट्ठा करके। तो इसके गांव भी लिख देता हूँ, उस टाइम पे ये गांव थे, चंदू है, साढ़ाणा है, ठीक है ना। मेन गांव जो इसके अंदर था वो था यही सुल्तानपुर, ठीक है ना, ये सुल्तानपुर हुआ। तो इन गांव सुल्तानपुर का, या यूं लिखो सुल्तानपुर गांव का अधिग्रहण करके ठीक है ना। तो मेनली क्या है कि इन सभी का अधिग्रहण करके एक एरिया बांट के काट के एक जो है ना एक ना आपका पक्षी विहार जो है ना वो बना दिया है डियर आप लोगों का, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो इसको एक पक्षी विहार के रूप में बना दिया गया, ये तो चलो ठीक है। अब और आगे चलते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। तो आगे की बात है कि इसको पक्षी विहार का दर्जा देने का काम जो है ना वो इंदिरा गांधी ने किया था, जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में आई थी आपकी, ठीक है। तो ये बात भी लिखिएगा आप लोग, पक्षी विहार का दर्जा दिया किसने था, ये दिया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है ना। श्रीमती, चलो क्यों या इंदिरा लगा लो, ठीक, इंदिरा गांधी काफी है,
ठीक है ना, इंदिरा गांधी ने पक्षी विहार का दर्जा दिया था। अच्छा, बात यह कि पक्षी विहार के रूप में इसको स्थापित करने का जो है ना वो श्रेय किसको जाता है, अभी एक्चुअली इसको स्थापना करी किसने थी पक्षी विहार के रूप में, इसकी स्थापना किसने करी थी, तो पक्षी विहार के रूप में स्थापना करने का श्रेय पक्षी विहार के रूप में स्थापना करने का श्रेय ये जाता है एक बहुत ही बड़े पक्षी विज्ञानी जिनका नाम तुमने सुना होगा, सलीम अली। ऑफ कोर्स सुना होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के ऑर्निथोलॉजिस्ट रहे हैं, पक्षी विज्ञानी रहे हैं, उन्होंने ही जो है ना इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है, सलीम अली, ठीक है ना। सलीम अली को जो है ना पक्षी विहार के रूप में स्थापना करने का श्रेय जाता है। इनको भारत के बर्डमैन कहा करते हैं डियर, ठीक है ना, भारत के बर्डमैन, ठीक है ना, भारत के पक्षी जो है ना प्रेमी के रूप में भी इनको जाना गया है। अच्छा, वास्तविक संस्थापक इसके कौन रहे हैं, अभी ओरिजिनल मेन संस्थापक कौन थे इसके, ठीक है ना, तो पीटर जैक्सन का नाम तुमने कभी सुना होगा, ठीक है ना, वास्तविक संस्थापन जो है ना यहां लिखते हैं, वास्तविक संस्थापक वो है पीटर जैक्सन, ठीक है ना, पीटर जैक्सन जो है ना इसके वास्तविक संस्थापक का, हालांकि इनका सहयोग जो किया था ना पीटर स्काइट ने किया था, पीटर स्काइट, ठीक है ना, इन दोनों ने मेन तरीके से जो है ना इन्होंने इसकी स्थापना की थी, वास्तविक ये थे आपके। वक्त के साथ आगे बढ़े तो इसी के अंदर जो है ना याद रखिएगा, इसको एक एक्चुअली जलीय क्षेत्र का रूप जो है ना दिया गया था अगले साल के अंदर, जब ये स्थापना हुई, स्थापना के ठीक अगले साल के अंदर जो है ना इसको याद रखिएगा आप लोग, जलीय जीव के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो ये बात लिखते हैं हम लोग 1972 में, 1972 में सुल्तानपुर पक्षी विहार को जलीय जीव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है ना, इसको जो है ना आगे कब क्या घोषित किया गया, जलीय जीव संरक्षित क्षेत्र जो है ना घोषित किया गया 1972 के अंदर। वक्त आगे बढ़ा तो वक्त आगे बढ़ने के बाद में 1991 में जो है ना इसको दिया गया आपका दर्जा, कौन सा, नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, इसको दिया गया नेशनल पार्क का दर्जा, ठीक है ना, सेकंड लिख लिया होगा ना इतना तो, ठीक है ना, चलो आगे आया 1991 में, 1991 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क का दर्जा मिला, ठीक है ना, सुल्तानपुर को यूं कहिएगा, ठीक है, लिख लो इसे, अच्छी बात। अब इसकी अगली बात आती है कि इसका एरिया कितना है आपका, हरियाणा के अंदर मैंने अभी कहा था आपको कि ये सबसे छोटा है आपका, ठीक है ना, तो हरियाणा
में सबसे छोटा नेशनल पार्क, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर जो है ना ये सबसे छोटा पार्क है आपका, ठीक है ना, और एरिया कितना है इसका? 35.217 एकड़, ठीक है ना, इसका एरिया है आपका, सबसे छोटा नेशनल पार्क, ठीक है ना। चलो और भी आगे चलते हैं, अब ये पूरा नहीं हुआ हमारा, ठीक है ना। आगे की बात है, हमारा जो ये पक्षी विहार है ना, इसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना, अनदर किस नामों से जाना करते हैं हम लोग इसको, पक्षियों का स्वर्ग स्थान कहते हैं इसको अपने आप में। हो जा भैया कनेक्ट। सुल्तानपुर नेशनल पार्क के अन्य नाम, ठीक ना, एक तो इसे कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग स्थान, ठीक है ना, बहुत सारे पक्षी आते हैं, विदेशी पक्षी भी आते हैं डियर, ठीक है ना, एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा बात है, इसको लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, लेक बर्ड सेंचुरी, ठीक है ना। अभी मैं बताऊंगा इसको आगे जाके, भिंडावास वाला जो आपको इलाका है ना, ये जैसे भिंडावास और के अलावा सुल्तानपुर, इन दोनों को रामसर साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हमने अभी लास्ट थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था एक में, मैंने उस दिन हिंट दिया था, आज फिर से आपको हिंट दूंगा, ये इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है डियर, ठीक है, और आगे चलते रहिएगा। लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है ना। इसके अलावा इसको सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं, सलीम अली पक्षी विहार, ठीक है ना, सलीम अली पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का पहला इको पार्क के नाम से भी यही जाना जाता है, हरियाणा का पहला इको पार्क अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भी यही है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे 4 वॉचिंग टावर भी है खूबसूरती निहारने के लिए, ठीक है, 4 WATCH वॉचिंग टावर खूबसूरती के लिए, खूबसूरती देखने के लिए, ठीक है ना। ऊपर टावर होते हैं ना ऊपर चढ़ के, जैसे हिसार में कभी आप आए हो तो एक जिंदल टावर है ना, कुछ इस टाइप से समझिएगा कि यहाँ पे वॉचिंग टावर भी है आपका, ठीक है। इस कॉर्नर में एक बात वो लिख देता हूं जो मैंने अभी बताई थी, अगस्त 2021 में सुल्तानपुर नेशनल पार्क को रामसर साइट का टैग मिला, रामसर साइट जिसको वेटलैंड साइट भी कहते हैं, ठीक है ना, रामसर साइट या वेटलैंड साइट का जो है ना टैग मिला है अगस्त 2021 के अंदर। ये सारा डेटा आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
कल आप कह रहे थे सर थोड़ा सा टाइम गैप दिया करो लिखने के लिए। चलिए फिर आगे चलें। चलिए, पूरे भारत में टोटल रामसर साइट 75 है, हरियाणा में दो ही है, ठीक है ना। 75 और पूरे इंडिया के अंदर याद रखिएगा, और हमारे हरियाणा में दो ही है, एक बिंडावास हो रहा है वो आगे बताऊंगा, वन्य जीव अभयारण्य कराऊंगा तब, ठीक है ना। ये पहला नेशनल पार्क आपका पूरा हो गया डियर, ठीक है ना। अब अगला इंपॉर्टेंट आपका है कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2003 में इसको दर्जा मिला था। तो दूसरा लिखना है आप लोगों को कलेसर NATIO, एक सेकंड, NATIO नेशनल पार्क, कलेसर नेशनल पार्क, ठीक है ना। कलेसर नेशनल पार्क है कहां पे सर? कलेसर नेशनल पार्क जो है ना, ये है यमुनानगर में, ठीक है ना, यमुनानगर में है ये। इसको सर नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला है? तो इसको नेशनल पार्क का दर्जा मिला है 2003 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला, ठीक है ना। 2003 के अंदर जो है ना, इसको नेशनल पार्क का राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जो है ना, ये उभर के आया था हरियाणा के अंदर। इसका एरिया बहुत है, इसका एरिया 11,570 एकड़ से लेकर 13,000 के बीच में फैला हुआ है ये, ठीक है ना। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लिख सकते हो इसे सबसे बड़ा नेशनल पार्क, ठीक है ना। एरिया इसका 11,570 एकड़ से 13,000 एकड़ के बीच। अब एक्चुअली यही पेपर में देखा है मैंने सेम क्वेश्चन, लेकिन कुछ इनके इन बिटवीन भी है, इसलिए मैंने दोनों एरिया आपके आगे लिख दिया आइडिया, ठीक है ना। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो है ना, वो पेड़ पौधे भी पाए गए हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे जो है ना यहाँ पे पाए जाते हैं आपके, तकरीबन साल है, हरड़ है, खेर है, ये वन बहुत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ के जो वृक्ष हैं उनमें से एक है साल है, और यहाँ पे हरड़ है। मैं भी तुम्हें कल आई थिंक या परसों एक लेक्चर में करवा रहा था ना, अगर आपको याद हो तो, साल है, हरड़ है, खेर है, ठीक है ना, ये वृक्ष इस नेशनल पार्क में है, ठीक है ना। इस नेशनल पार्क के अंदर ये वृक्ष भी है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है डियर, ठीक है ना। हरियाणा जीके करवा रहा हूँ तो हरियाणा का सबसे बड़ा नेशनल पार्क होगा, ठीक है ना। इंडिया करवा रहा हूँ या फिलहाल मैं हरियाणा जीके करवा रहा हूँ या कौन से जीके करवा रहा हूँ? तो कलेसर नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हरियाणा का ही है ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए, तो ठीक है ना, सुल्तानपुर का एरिया 35.27 एकड़ ही है आपका, ठीक है ना, सबसे छोटा ही है। चलिए अब हम लोग करते हैं वन्य जीव अभ्यारण हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, जिसको आप लोग कहा करते हो डियर, ठीक है ना, कि वन्य जीव अभ्यारण जो है ना, इनके बारे में बात करेंगे। अगर आपको रामसर साइट का फुली डिटेल पढ़ना है वो तो एक नेशनल टॉपिक हो जाएगा, उसके लिए आप मेरा चैनल स्टार आई क्यू सर्च कर लेना, रामसर स्लैश स्टार आई क्यू सर्च कर लेना, उस पर खूब डिटेल से पढ़ा रखे हैं मैंने। यहाँ रामसर साइट का आप यूँ समझिएगा, जो गीली भूमि होती है, आद्र भूमि होती है, उसको आप रामसर साइट कहा करते हैं, नमी वाली ज़मीन को आप लोग कहा करते हैं रामसर साइट, ठीक है ना। इस पूरे भारत में 75 रामसर साइट है। 2 फरवरी 1971 को सबसे पहले ये समझौता हुआ था ईरान के रामसर शहर के अंदर, ये जरूर याद रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगली बात पे जाते हैं।
हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। हरियाणा के अभयारण्य, ठीक है, हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बात करनी है हम लोग, ठीक है ना, अभयारण्य, ठीक है, सही है, ये या है यारण्य, ठीक है, अब सही। अच्छा, टोटल कितने हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य? तो हरियाणा के अंदर वन्य जीव अभयारण्य जो है ना आप लोगों के, वो है आप लोगों के 8, ठीक है ना, टोटल आपके हरियाणा के अंदर जो है ना ये आपके वन्य जीव अभयारण्य है, या सेंचुरी इनको कहते हो आप लोग, सेंचुरी के नाम से भी जाना करते हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हो इंग्लिश में, ये टोटल 8 है। इनमें से सबसे पहली बात करते हैं तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 था, और इसी के तहत जो है ना ये आई थी आपकी सबसे पहले भी। इनका मतलब क्या था? इनका मतलब ये था कि वनों का विस्तार किया जा सके, वन में रहने वाले जीव है उनकी सुरक्षा की जा सके, उनकी आज़ादी को जो है ना सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है ना। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था, एक मतलब यूँ समझो कि भारत सरकार ने एक एक्ट लागू किया था, उस एक्ट का मतलब ही यही था कि पूरा जो एरिया है, बाउंडेड एरिया है, उस एरिया के अंदर जो है ना जितने भी जीव रहते हैं इनका एरिया बड़ा रहता है, ज़्यादा नेशनल पार्क का एक रिजर्व एरिया रहता है, और जो सेंचुरी होती है उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा होता है आपका। तो इस एरिया के अंदर से मान लेते भी हिरण है या कोई शेर है तो वो खुला विचरण कर सके, घूम सके, ठीक है ना। नेशनल पार्क के अंदर तो जनरली जो आबादी ख़त्म होने को हो रही होती है उनको रिजर्व करके रखते हैं, इनके अंदर ऐसी आबादियां भी होती है जो ख़त्म ना भी हो रही हो, बहुत बड़ा बड़ा एरिया होता है आपका, ये ज़्यादा ज़्यादा ज़मीन होती है, और वहाँ पे जो है ना जीवों की तादाद बढ़ाने के लिए उनको एक अपने तरफ से तो आपने लोक कर दिया, पर उनको लगता है कि जैसे खुला ही एरिया है, बहुत बड़ा बड़ा एरिया जो है ना उसके अंदर ये विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट से रहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके, पूरे हरियाणा में 8 है, एग्जाम में खूब ज़्यादा पूछी जाती है, तसल्ली से इन्हें याद कर लेना, 8ों के नाम और जिला ये मेन है इसके अंदर, बाकी जो एडिशनल पॉइंट आपको मैं बताऊं उसको आप लोग जो है ना वो धीरे 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 जो है ना चीज़ें याद करते रहना डियर, ठीक है। अब हरियाणा के अंदर 8 वन्य जीव अभयारण्य जो है ना, उनमें से सबसे पहले तो बताता हूँ ये वन्य जीव अभयारण्य मैंने कहा ना भारत सरकार के अधिनियम के तहत आए थे आपके, ठीक है ना। तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है ना, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत, ठीक है ना, भारतीय वन्यजीव अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही आया था। इसका टारगेट क्या था? वनों का विस्तार और वनों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा, ठीक है ना। लेके क्यों आए थे, इसका मकसद क्या था, वनों का एक तो करना इन्होंने क्या विस्तार और वनों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा, ठीक है। तो इसका टारगेट भी यही था कि इसीलिए लेके आए थे कि वनों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा करें और हम लोग जो है ना उनको बढ़ावा दें। अब हरियाणा राज्य के अंदर जो है ना ये टोटल कितने हैं आपके, ये टोटल है 8। सबसे पहले की बात करते हैं हम लोग, जो सबसे पहले वाला है वो अबूब शहर है आपका, ठीक है ना। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य, अबूब शहर का नाम जब भी आए ना आप लोगों का तो आप लोग तुरंत चले जाना कहाँ पे, सिरसा के अंदर आ जाना, ठीक है। हरियाणा के अंदर हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, उनमें सबसे पहला है अबूब शहर, है कहाँ पे ये, हरियाणा का जो सिरसा जिला है यहाँ पे ये पड़ता है। 27 नवंबर की इसको स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो
इसकी स्थापना हुई थी 27 नवंबर को। कौन से 27 नवंबर को? 1987 में, 1987 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी 27 नवंबर 1987 को, ठीक है ना। और 28,492 एकड़ जो है ना इसका एरिया है। अट्ठाईस हजार 492 एकड़ हरियाणा का सबसे बड़ा है, ये याद रखना, हरियाणा का सबसे बड़ा, ठीक है ना। 28,492 एकड़ एरिया है हरियाणा का, ये सबसे बड़ा है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद में आता है चिलचिला, एक नंबर हो गया है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करते रहना चीज़ों को। कंटेंट वाइज तुम्हें कोई भी कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। और आज तो तुम्हारी ये भी बिगन मिट गया है कि तुम मुंह दिखाओ सर जी, देख लीजिएगा बेटा मुंह भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है, प्रैक्टिकली भी दिखाई भी दे रहा हूँ, डिजिटल बोर्ड भी है, एवरीथिंग इज ओके, है ना, तसल्ली है ना, अब तो कोई कुचरनी नहीं कर रहा है ना, ठीक है ना। चलो जो इंपॉर्टेंट डेट है वो लिख रहा हूं, जिनकी नहीं जरूरी है उनकी नहीं लिखूंगा, ठीक है। दूसरा छिलछिला, छिलछिला, तो छिलछिला जो है ना वो है कहां पे, सयोटी कला में है, ठीक है ना। सयोटी कला नाम की जो जगह है ना यहां पे ये पड़ता है छिलछिला, और इस सयोटी कला कहां पे है, कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। सयोटी कला कहाँ पे है सर, ये पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र के अंदर है, ठीक है ना। इसका एरिया कितना है, ये सबसे छोटा सा ही है हरियाणा के अंदर, ठीक है ना। 74 पॉइंट, एक सेकेंड, एरिया से पहले तो एक काम करते हैं कि मैं बता देता हूँ कि ये सयोट बना कब था आपका, ठीक है ना। स्थापना, ठीक है ना, कोशिश कर लेना, अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना याद हो तो कोई बात नहीं है, पर ट्राई करना आप लोग, डेट ना याद कर पाओ ईयर याद कर लेना, ठीक है ना। ये 28 नवंबर है, 27 से अगला दिन क्या आता है, 28 का आता है, तो ऐसे करके इसको याद कर लेना। ये 1987 है, ये 1986 है, ठीक है ना, ये मतलब साल आगे पीछे ही होएगा इसमें, ठीक है, ऐसे करके याद कर लेना। और इसका एरिया ज़रूरी है, 74.45 एकड़, हरियाणा का सबसे छोटा, मैंने एचटेट में पढ़ाया था ये, और ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया भी था, हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण कौन सा है, ये सेम क्वेश्चन एचटेट के अंदर आया था आप लोगों का याद हो तो, और मैंने इसी तरीके से पढ़ा रहा था मैं उसमें भी, अगर आपको याद आ रहा है तो पढ़ा होगा आपने पहले मुझसे, तो आपको शायद याद आ रहा होगा, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है आगे के लिए, अब आगे याद करना। तीसरा याद करते हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेरा फेवरेट है, एग्ज़ाम का भी फेवरेट है, यूं कहिएगा आप लोग, चलो अब तीसरा जो आएगा ना आपका वो है आपका भिंडावास, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी पर्सनली बड़ा फेवरेट है वो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फेवरेट है आपका, और जिसका नाम है भिंडावास। भिंडावास कहाँ पड़ता है, भिंडावास पड़ता है जी झज्जर के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको द्वीपों का शहर भी कह, सॉरी द्वीपों का वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा करते हैं, यहाँ पे विदेशी पक्षी भी आते हैं, आपको पता होगा, इसको ही अगस्त 2021 में सुल्तानपुर के साथ में जो है ना वो रामसर साइट का टैग इसको भी मिल गया था, तो करके भी ये इंपॉर्टेंट माना जाता है हरियाणा के अंदर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद करना आप लोग, ठीक है। आज तो मैं डिजिटल बोर्ड पे ले रहा हूँ, हो सकता है मुझे बीच में एक दो दिन मैं सही बाहर रहूँ, आउट ऑफ सिटी रहूँ, तो बीच में फिर से पेन टैप पे पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, फिर बाद दो दिन अगर वहाँ पे पढ़ाने के बाद में रेगुलर क्लास फिर तो ऐसे ही लूँगा, अगर मैं बाहर गया तो, अदरवाइज नहीं गया तो यहीं पर पढ़ाऊँगा। चलो छिलछिला तो हो गया आपका, उसके बाद में हाँ तीसरा कौन सा बता रहा था मैं, भिंडावास, ठीक है ना, भिंडावास। अब ये भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण जो है ना ये कहाँ पे पड़ता है, ये पड़ता है झज्जर में, ठीक
ठीक है ना। भिंडावास कहाँ पड़ता है सर? ये पड़ता है आपका जज्जर के अंदर पड़ता है, ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी आपकी, ठीक है? सेम साल है, 1986 है, पर महीना और तारीख बदल जाएगा। स्थापना 7 मई को हुई थी, 7 मई 1986 को, ठीक है ना। महीना, और ये तारीख पूछी गई है एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूछी गई है, ठीक है ना। अच्छे से याद कर लेना इसको आप लोग, ठीक है। यहाँ पे ना बेसिकली 250 से ज्यादा प्रजाति है पक्षियों की, ठीक है ना। इस वन्य जीव अभयारण्य में, इस वन्य जीव क्षेत्र में 250 से ज्यादा पक्षियों की प्रजाति है, ठीक है ना। 250 से ज्यादा जो है ना वो प्रजाति है, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद में अगली बात है क्या कि इसको अगस्त 2021 में, मैंने अभी बताया था ना आपको, अगस्त 2021 में वेटलैंड साइट का दर्जा मिला था, वेटलैंड साइट यानी कि रामसर साइट, प्रवासी पक्षी आते हैं इस करके ही इसको जो है ना वेटलैंड साइट का दर्जा मिला था आपका अगस्त 2021 के अंदर। ये काफी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना हरियाणा की ये सबसे बड़ी आर्द्र भूमि के रूप में इसको जाना करते हैं, ये क्वेश्चन, ये हरियाणा हरियाणा की बल्कि नहीं कहूँगा मैं, ये तो आपके जो है ना आर्टिफिशियल रूप में तो पूरे भारत की सबसे बड़ी एकड़ एरिया के रूप में जो है ना इसको जाना करते हैं। एरिया तो लिखा ही नहीं ना मैंने इसका, अभी लिख देता हूं। एरिया इसका है 1016.94 एकड़ का, ठीक है ना। याद आया मुझे, एक दिन ये पहले 94 याद नहीं आ रहा था, ठीक है ना। वेटलैंड साइट वो होती है जहां पे नमी वाला इलाका रहता है, गीली भूमि रहती है जहां पे प्रवासी पक्षी आते हैं डियर, ठीक है। 1016.94 एकड़ जो है ना वहां पे आपका ये इतने एरिया का है, ये हरियाणा का सबसे बड़ी आर्द्र भूमि क्षेत्र है, या यूं कहिएगा सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य आर्द्र भूमि के मामले में। हरियाणा का सबसे बड़ा आद्र भूमि क्षेत्र है, ठीक है ना। गीली भूमि, नमी वाली भूमि जो होती है ना उसको आप लोग जो है ना वेटलैंड इलाके के रूप में जाना करते हैं डियर, ठीक है ना। अच्छा, और इसके अलावा जो है ना प्रसिद्ध छोटे छोटे द्वीपों के लिए ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, हरियाणा के अंदर छोटे छोटे द्वीपों के लिए इसको जाना करते हैं, छोटे छोटे द्वीप। छोटे छोटे द्वीप के लिए जाना जाता है ये, छोटे छोटे द्वीप, पक्षियों के द्वीप के लिए जो है ना इसको हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा जानते हैं आप लोग। इसके अलावा जो है ना इसको 3 जून 2009 को भारत सरकार के द्वारा जो है ना पक्षी विहार का दर्जा भी दिया गया है, ठीक है। ये करंट अफेयर के रूप में लिख लो चाहे आप लोग, लिखूं इसको थोड़ा ही ऊपर करूंगा बस, ठीक है। 3 जून 2009 को भारत सरकार के द्वारा इसको पक्षी विहार का दर्जा दिया गया है आपका, ठीक है ना। तो नोट डाल के लिखना है इसको आप लोग, 3 जून 2009 को भारत सरकार ने पक्षी विहार का दर्जा दिया है, ठीक है ना। 3 जून 2009 को जो है ना इसको भारत सरकार के द्वारा पक्षी विहार का दर्जा दिया गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में पूछी गई है, फिर से पूछी जा सकती है, रिपीट हो सकती है। बाकी अब सारे छोटे छोटे हैं, वन लाइनर है, बस ये इंपॉर्टेंट थे आपके। सुल्तानपुर एक बहुत इंपॉर्टेंट था, भिंडावास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खूब सारे इसके सवाल आते ही रहते हैं आपके, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलें थोड़ा सा, और हम लोग इसको लिख लेना कॉपी पे, फिर आगे जाऊंगा।
होपफुली लिख लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिंडावास है झज्जर का, एक खापड़वास भी झज्जर का ही है, ठीक है ना, ये भी याद करना। 1991 में बना था। तो कितने हो गए आपके, भिंडा एक तो आपका हो गया, अबूब सैर करवाया था, अबूब सैर के बाद छिलचिला, उसके बाद भिंडावास, चौथा है ना ये आपका, इसका नाम क्या है, खापड़वास। कई जगह पे खापड़वास भी लिखा होता है, रह भी लिखा होता, पर जनरली खापड़वास लिखा मिलेगा। ये भी कहाँ पे है आपका, झज्जर जिले में, हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर भी पड़ता है खापड़वास आपका। और इसकी स्थापना कब हुई है, स्थापना इसकी हुई है आपकी 27 मार्च 1991 में, ठीक है ना, 27 मार्च 1991 में इसकी स्थापना हुई है। एरिया कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, एरिया 204.36 एकड़ का है, ठीक है ना, 204.36 एकड़ का जो है ना इसका तकरीबन एरिया है आपका। इसके अलावा कल्लेसर नेशनल पार्क भी है, कल्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है आपका, ठीक है ना। तो पांचवा यहां लिख रहा हूं, कल्लेसर वन्य जीव, ठीक है ना, ये भी कहां पे है आपका, यमुना नगर में, लगभग 13,000 एकड़ में फैला हुआ है। एकड़ में फैला हुआ है। एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा में लाल जंगली मुर्गा जो है ना कहां रखा जाता है, लाल जंगली मुर्गा जो है ना इसी कल्लेसर वन्य जीव अभ्यारण्य में, और एक भौंकने वाला हिरण, ये दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले पेपरों में देखे हैं कि लाल जंगली मुर्गा और भौंकने वाला हिरण दोनों यहीं पे रखे जाते हैं आपके, ठीक है। तो इनको लाल पेन से लिखते हैं, लाल जंगली मुर्गा और भौंकने वाला हिरण, ठीक है ना, भौंकने वाला हिरण ये इसी के अंदर ही है आपके, ठीक है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम परस्पेक्टिव बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। चलो अच्छा सर, इसकी स्थापना भी लिखते हैं कि स्थापना, देखो ये दो भागों में बना था, ठीक है ना, इसके दो भाग बने थे, जो पहला भाग था ना आपका वो था 1996 में पहला भाग तैयार हुआ था, और दूसरा भाग 3-4 सालों के बाद में बना 2000 में, दूसरा भाग, ठीक है ना। तो पहला भाग बना था आपका यहाँ पे 1996 में, दूसरा भाग जो बना है ना आपका वो बना है साल 2000 के अंदर, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद करना, लाल जंगली मुर्गा वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम में कई बार देख लिया, इसको जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। उसके बाद में इनको लिख लेना कॉपी पे, तीन और रहते हैं आपके, वो पूरे करवाऊंगा। अरे बाप रे बाप, छठवां वीर शिकारगढ़, ठीक है ना, वीर शिकारगढ़ कहां पड़ता है, पंचकुला। कब स्थापना हुई, 1987
बस काफ़ी है, इतनी बात ही काफ़ी है, कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है याद करने की, ठीक है ना। एक आपका है नाहर वन्य जीव अभयारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नाहर स्टेडियम तो पड़ता है फरीदाबाद में, वन्य जीव अभयारण्य यहाँ पे पेपर में पूछा गया ये, ठीक है ना। नाहर वन्य जीव, कोसली, रेवाड़ी, ये भी 1987 में, ठीक है ना, 1987 में ये भी बना था आपका। यहाँ पे लोमड़ी और बारासिंगा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये, लोमड़ी और बारासिंगा, ठीक है ना, लोमड़ी और बारासिंगा के लिए हरियाणा के अंदर जो ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है ये। और इसके अलावा एक और बच गया हमारा, खोल ही रेतान, ठीक है, खोल ही रेतान, पंचकुला 2004 में, ठीक है ना, खोल ही रेतान पंचकुला 2004 के अंदर स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है। तो ये इतने कर लेना, आगे के लेक्चर में हम संरक्षित वन क्षेत्र करेंगे, चिड़ियाघर करेंगे हरियाणा के, ठीक है ना, कुछ प्रजनन केंद्र है उनके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो भाई, आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, सारे नेशनल पार्क और वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के फिनिश हो गए हैं आज के लेक्चर में, ठीक है।